हेलो दोस्तों, हम लोग अभी साइज ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये दो एडिशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जिससे कि पहला है साइज ऑफ ऑपरेटर और एक होता है कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, दोनों एडिशनल ऑपरेटर्स हैं। फिलहाल हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमा ऑपरेटर को। ठीक है, साइज ऑफ ऑपरेटर क्या है? साइज ऑफ ऑपरेटर कुछ नहीं करता, बस ये डाटा टाइप या वेरिएबल्स के बारे में बताता है कि वह कितना रैम ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, बाइट्स में। ठीक है, तो यही बताता है। जैसे कि हमने इंटीजर डाटा टाइप ए वेरिएबल है, ठीक है, एक शॉर्ट डाटा टाइप है और बी वेरिएबल है, और इसमें मैं प्रिंट करने वाला हूँ कि ये जो ए वेरिएबल है ये कितना बाइट रैम ऑक्यूपाई करेगा, और ये शॉर्ट इसमें जो शॉर्ट डाटा टाइप है, शॉर्ट डाटा टाइप का जो वेरिएबल होता है वह कितना रैम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, इसके बाद ये सिंपल सा मैंने एक मतलब विदाउट ये पूरा कोड लिखे, आप सिर्फ प्रिंट फंक्शन के थ्रू ही साइज ऑफ का यूज़ करिए किसी भी डाटा टाइप का नंबर निकाल सकते हो, और वह डाटा टाइप कितना मतलब यह रैम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये दो तरीका आप लोगों को बताया कि ये यहाँ से यहाँ तक आप ये तो टाइप करो, या तो फिर आप सिर्फ ये टाइप करोगे तो आपको साइज ऑफ के थ्रू ये फ्लोट डाटा टाइप कितना डाटा सॉरी कितना रैम में कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा वो आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ मैं अगर इंट को हटा दूँ, ये इंट ए को हटा दूँ और यहाँ ए की जगह इंट लिख दूँ, इंट डाटा टाइप, तो ये इंट डाटा टाइप कितना रैम ऑक्यूपाई करता है वो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, ये मैंने दोनों यूज़ किया है यहाँ यहाँ से यहाँ तक ये बताने के लिए कि वेरिएबल्स के थ्रू कैसे निकालते हैं, और ये एक सिंगल कोड मैंने लिखा हुआ था कि इससे आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट आप डाटा टाइप का इस्तेमाल करके भी उसका मेमोरी कितना ऑक्यूपाई करेगा और रैम में उसका आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग रन करते हैं। रन करने के बाद हमें इस और बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने बिल्डर रन में क्लिक किया, ये देखिए ये जो पहला है प्रिंट एफ फंक्शन, इसमें इंटीजर डाटा टाइप है, ए वेरिएबल है लेकिन इसका डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर जो डाटा टाइप होता है वो क्या करता है, 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है रैम में। ठीक है, डाटा, और ये शॉर्ट इंटीजर है, ये भी इंटीजर ही है लेकिन शॉर्ट इंटीजर है। ठीक है, तो ये कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा रैम में, 2 बाइट्स। उसी तरह फ्लॉट है यहाँ, तो फ्लॉट ऑक्यूपाई करता है 4 बाइट्स। ठीक है, तो इसी तरह आप डबल्स का चेक कर सकते हो, और बाकी जो डाटा टाइप्स हैं सारे का वन बाई वन आप लोग टेस्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। साइज ऑफ क्या है? साइज ऑफ सिंपल सा है कि यह क्या करता है, हमें कैलकुलेशन करके बताता है कि कौन सा डाटा टाइप या वेरिएबल कितना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है रैम, बस इसका इतना ही काम। ठीक है, ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।